उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में अपने दो दिवसीय दौरे पर हैं। आज यानी कि गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में सीएम ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान जनता दर्शन में उन्होंने 300 फरियादियों की फरियादें सुनी। उन्होंने लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुना और मौके पर मौजूद अफसरों को लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी अपने दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे, जहां पर हमेशा की तरह सीएम योगी पहले गोरखपुर मंदिर में पहुंचे और गुरु गोरखनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनका दर्शन पूजन कर आशीर्वाद दिया। इसके बाद उन्होंने अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर जाकर दर्शन किए। इन सब के बाद सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर परिसर में पहुंचे, जहां पर उनसे मिलने और उन्हें अपनी समस्याएं बताने के लिए लोग पहले से ही जुटे हुए थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNewsFlash।